नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल करमीर में। आज इस वीडियो में आपको जो लाइब्रेरी साइंस के लिए बहुत ही अच्छी किताब जो एलाइसपीडिया आती है उसके बारे में बताऊंगा। एलाइसपीडिया मेरे पास दोनों बुक है, ये अभी मुझे डाक से मिली है, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं ये पिछले साल मैंने खरीदी थी, तो दोनों ये किताबें मेरे पास है। अब दोनों में क्या क्या फ़र्क है मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो शुरुआती किताब थी पिछले साल आई थी, इसमें 80+ जो पुराने जो वर्षों के जो लाइब्रेरियन पेपर थे उनका जो सॉल्यूशन दिया होता, लगभग 7,100+ जो सवालों का आंकलन था। ये आपने बहुत सारे विद्यार्थियों ने पढ़ी है। अब मैं जो एलाइसपीडिया 2.0 है इसके बारे में मैं बताऊंगा। इसकी जो खासियत है, जो पहली जो एलाइसपीडिया थी वो जो सारे जो पेपर्स थे वो आपके हिंदी मीडियम में थे, लेकिन ये बाईलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में वर्जन में दिया हुआ है। दूसरा, इसमें 118+ पेपर्स हैं हल्की हुए, और 10,000+ जो सवालों का जो संकलन इसमें किया गया, और टोटल पेज 608 है। और दूसरी बात, इसमें जो जनवरी 24 तक 2021 से लगभग 23-24 वर्ष 2023-24 में जो भी लाइब्रेरियन पेपर हुए हैं उनको भी इस बुक में शामिल किया गया। अब देख लेते हैं इस किताब में क्या क्या है। अब पीछे पेज भी हम देख लेते हैं, इसमें जिसे लिखा हुआ भी है। सबसे पीछे आपको टोटल पेज में आपको ये बता देता हूँ, ये 596 करके, और ये सारे पेज मिला के लगभग टोटल 608 पेज हो जाते हैं। अब इसको पूरा हम एक एक पेज पलट के मैं आपको बताऊँगा किताब में क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण चीज़ें वो दी हुई है। अब इसमें सबसे पहले जो कंटेंट है ये दिया हुआ, ये सारे जो पेपर्स है कौन सा हुआ ये उसके पेज नंबर्स में सारे ये दिए हुए हैं। अब ये उसके बाद जो लाइब्रेरी साइंस जो समसामयिक की है वो सारी दी हुई है इसमें। और उसके बाद ये सारे पेपर्स, ये उत्तराखंड जो सेट है, स्टेट एलिजिबल टेस्ट जो जनवरी 24 में हुआ था वो पेपर इसमें हल किया हुआ। ये पेपर आप देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बाईलैंग्वेज ये पेपर ये दिया हुआ है। आगे चलते हैं हम, ये EMRS का जो पेपर हुआ था, EMRS TGT लाइब्रेरी री एग्जाम, उसका पेपर ये भी आपके देख सकते हैं जो बाईलैंग्वेज दिया हुआ है। आगे चलते हैं, ये EMRS का जो जो लाइब्रेरियन का पेपर 2023 में हुआ था वो भी पेपर इसमें बाईलैंग्वेज दिया हुआ, सारे सवाल हैं वो दिए, उसके साथ ही इसका जो आंसर्स है वो इसमें साथ में दे रखा है। अब आगे UGC नेट के ये दिसंबर 2023 का पेपर लाइब्रेरी साइंस विषय का है, ये जनवरी 23 का पेपर, ये जून 23 लाइब्रेरी साइंस UGC नेट का पेपर है, इसमें दिया सारे सवाल इसमें दिए हुए। ये UPSC फर्स्ट पेपर जो जनवरी 23 का है, तो ये इसमें अच्छी बात है, ये जो बाईलैंग्वेज है हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी, क्योंकि कुछ वर्ड्स से हिंदी में थोड़ा त्रुटि हो सकती है लेकिन उसका जो इंग्लिश में जो सरलार्थ कहें या उसका शब्दार्थ वो माना जाता है, तो इसमें ये दिया हुआ है। ये दिल्ली बोर्ड का जो जुलाई 23 को पेपर हुआ था, DSSB लाइब्रेरियन का पेपर, शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है, ये शिफ्ट सेकेंड लाइब्रेरियन दिल्ली बोर्ड का है, और ये शिफ्ट थर्ड का है। ये सारे जो 2023 में जो पेपर हुए हैं वो ये KVS 2023 में जो फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, तो ये अच्छी बात है, इसमें बाई लैंग्वेज जो पेपर दिया हुआ है। और भी इसमें आगे थोड़ा फास्ट में आपको चलूंगा, तो इस तरह से बहुत सारे पेपर, ये एम्स जोधपुर का 2023 में पेपर हुआ, बाकी सारे जो पीछे पेपर वो पुराने हैं, वो जो LSPedia 1 है उसमें आपने पढ़ रखे हैं। ये तो इस किताब की ये खासियत है, तो बाई लैंग्वेज भी है और पुराने पेपर्स भी है, 10,000+ पेपर है। अब इस किताब को पढ़ना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। अब पढ़ने का अलग अलग तरीका है, तो बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि सबसे पहले उस सिलेबस को कवर कर लेते हैं और उसके बाद इन पुराने जो पेपर्स को हल करते रहते हैं, तो उससे अपनी जो तैयारी का आंकलन हो जाता है कि हमने कितना पढ़ा है कितना और पढ़ना है। तो लेकिन एक और तरीका मैं आपको जैसे बता देता हूँ, यदि आप फ्री हो तो डेली एक आप पेपर पढ़ लें, तो उसको आपको क्या करना, टॉपिक वाइज इसमें छांटना। जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, जैसे मैंने ये एक पेज लिया है, इसमें आयोग संबंध जितनी भी चीजें हैं वो मैंने एक पेज पे उतार ली, सारे जो कमेटी आयोग सारे एक पेज पे आपने उतार ली। दूसरा, जैसे ये भी आयोग संबंधी, फिर मैंने उसी को किताबों से उसका डिटेल उसमें निकाला है। मैं आपको हिंट दे सकता हूँ, बाकी पढ़ना आपको किस तरीके से ये समझ होगा, इस तरह से आप
स्वयं खुद आप जितना मेहनत करेंगे वो काम आएगी। अब जैसे एक और है, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पुस्तकालय सूचना विज्ञान के जो 5 सूत्र होते हैं रंगानाथन, उनके संदर्भ में आप ये चीजें वहां इस किताब से आप निकाल सकते हैं। दूसरा एक और मैं आपको बता देता हूँ कि आप पढ़ाई के दौरान भी आप ये कर सकते हो। एग्जाम से पहले आपको बहुत जैसे कमेटी और कमीशन से संबंधित कितने कितने सवाल आए हैं, ये सारे इसी किताब से आप निकाल सकते हैं, वो सारा आप लिख सकते हैं। तो जितनी आप हैंड रिटन मेहनत करेंगे तो वो ये कौन से एग्जाम आया आप स्वयं लिखेंगे। तो ऐसे कई सवाल होंगे, ये 2-3 एग्जाम में आए होंगे, ये सारे कमेटियों के सवाल मैंने अलग छांट लिए। आप स्वयं मेहनत कर सकते हैं इसी किताब की सहायता से। आप अलग रफ वर्क, आप जितना रिटर्न वर्क करेंगे उतना काम, जैसे ये संचार संबंधी चीज़ें ज़्यादातर आपके इसमें जो UGC नेट में पूछी जाती है उसके सवाल भी आप इसमें छांट सकते हैं। और मैंने काफ़ी चीज़ें छांटी है। और ये जैसे ये सार्वजनिक पुस्तकालय शैक्षणिक पुस्तकालय जो उनसे संबंधित कितने भी सवाल, जैसे ये RSSMB जो 3rd ग्रेड 2019 में जो पेपर एक हुआ था, जो पेपर आउट हो गया था, उसमें ये सवाल आया था, ये भी सवाल सारे अलग अलग पेपर्स में आए थे। तो आप इसमें इस तरह से नोट डाउन कर सकते हैं। इस तरीके से आप मेहनत आपको खुद को करनी पड़ेगी। मैं आपको आपको बता सकता हूँ, हिंट दे सकता हूँ भाग करना आपको, जैसे ये राष्ट्रीय पुस्तकालय संबंधी कौन कौन से सवाल परीक्षा में आए, ये सारे इसी किताब से मैंने ढूंढ करिए अलग अलग लिखे है। दूसरी और मैं इस बात की और खासियत बताना चाहिए, जैसे आप जो लाइब्रेरी साइंस है का जो सिलेबस है, संपूर्ण सिलेबस, जैसे KVS से NVS से EMR से सारा जो सिलेबस है वो इतना सिलेबस है। जैसे पहला जो पार्ट है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस यानी पुस्तकालय सूचना विज्ञान के मूल आधार, उसमें ये इतने सारे टॉपिक्स है। वो जो सेकंड जो टॉपिक्स है नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड रिट्रीवल यानी ज्ञान संगठन सूचना प्रसंस्करण एंड पुनः प्राप्ति, ये जो टॉपिक है सेकंड टॉपिक जो हमारे राजस्थान 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड लाइब्रेरी भर्ती में अभी जो लागू किया गया यही जो सिलेबस है हमारे लाइब्रेरी साइंस में है। उसके बाद के जो सारे जो टॉपिक्स है वो मूल लाइब्रेरी साइंस में, लेकिन राजस्थान 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड नहीं है, लेकिन ये छोटा टॉपिक होने के कारण सवाल कम पड़ जाते, तब जो सवाल बनाने वाला बाकी अदर टॉपिक्स में ये सवाल निकाल लेता है। जैसे अभी पिछली जो लाइब्रेरी भर्ती है उसमें आउट ऑफ सिलेबस इस सेकंड टॉपिक के अलावा अभी अलग टॉपिक से भी कुछ सवाल आ गए थे, तो उन सवाल की तैयारी के लिए ये भी किताब आपको महत्वपूर्ण रहेगी। अभी जैसे KVS में भी भर्ती आएगी, NVS में भी आएगी, EMRS में भी ऐसी भर्तियां और भी भर्तियां आएगी, तो उन भर्तियों में के जो सवाल है वो ज़्यादातर सवाल जो पुराने वर्षों के पेपर्स में से ही निकाले जाते हैं। तो आप उस दृष्टिकोण को देखते हुए ये जो किताब आपके तैयारी के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। आप इस किताब को इजीली खरीद सकते हैं, इसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से आप खरीद सकते हैं बिल्कुल 449 में ये आपको ये किताब मिल जाती है, 450 रुपये में आपको ये किताब मिल जाती है। आप इसको इजीली ऑनलाइन ऑफलाइन खरीद सकते हैं, लगभग हर सिटी में, हर जिले में इसके जो बुक स्टॉल पर ये किताब मिल जाती है, जिसकी लिस्ट भी मैं आपको दे दूंगा, आप वहाँ से आराम से खरीद सकते हैं। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें, जैसे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।